चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके माइंड पर बहुत प्रेशर होगा, तो आपके माइंड पर प्रेशर को बिल्कुल कम कर देते हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है। तो बात करते हैं सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, तो जो आपका ये चैप्टर है बच्चों, वो चैप्टर आपका ऑनली 5 मार्क्स का आ रहा है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। आपको माइंड मैप अपना पूरा यहाँ पर क्लियर कर देना है और मैं आपका पूरा माइंड मैप यहाँ पर आपको पूरा क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं किसी बुक के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूँ और टॉपिक आपको बता दूंगा। आगे इन टॉपिक्स के ऊपर और भी वीडियोज आपके आने वाली हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे टॉपिक्स डीपली मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो चलिए जानते हैं टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं। तो रियल नंबर्स में जो पहला टॉपिक आता है आपका, वो आता है फैक्टर, और नंबर 2 पर हमारा इरेशनल। मेनली ये 2 ही टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर 1 में है। फैक्टर के अंदर और टॉपिक्स आते हैं, इरेशनल में हमारे और टॉपिक्स आते हैं। इरेशनल हमको प्रूफ करना होता है कि हमारे नंबर इरेशनल है, इसको प्रूफ करना है कैसे करना है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टर में क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हमारे फैक्टर में जो आता है, ठीक है, हमें नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होते हैं, नंबर्स के फैक्टर निकालने होंगे। कैसे निकालने हैं मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, नंबर 2 पर जो आता है हमारा एलसीएम एंड एचसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम आ गया हमारा और एचसीएफ आ गया। अब नंबर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इसमें, बाकी जो हमारे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम्स थी वो डिलीट हो चुकी हैं। तो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। अब आपको कैसे निकालना है मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, इसमें मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, एंड नंबर 3 पर जो आता है आपका, वो आता है आपका एक थ्योरम जो हमारी दे रखी है, जो थ्योरम हमारी क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है, फॉर्मूला कह सकते हो आप, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, या फिर ये आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये हर एक टॉपिक को डीपली मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा। तो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे सम्स आएंगे वो नंबर 1 नंबर के हमें फैक्टर निकालने होंगे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, और नंबर 3 पर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी की वैल्यू पूछ सकता है, एलसीएम की वैल्यू पूछ सकता है, एचसीएफ की पूछ सकता है, या किसी एक नंबर की या उनका प्रोडक्ट पूछ सकता है। ठीक है, वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड नंबर 2 पर जो है इरेशनल हमको प्रूफ करना है, तो इसमें हमारा क्या 3 टाइप के आते हैं, √2 √3 या √5। इन तीनों में से ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ये। ठीक है, इनको आपको क्या प्रूफ करना है कि हमें प्रूफ करना है ये इरेशनल है। कैसे प्रूफ करना है मैं आपको सिखा दूंगा। नंबर 2 पर आता है हमारा 1/√2, 1/√3, 1/√5। ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि यही नंबर आपके एग्जाम में आएंगे, मेथड सेम रहता है, बस डिजिट चेंज होंगे। अगर मैं आपको एक का भी मेथड समझा दूंगा तो बाकी डिजिट चेंज करके आप उसको खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा इसमें नॉर्मल नंबर थे, ठीक है, यहाँ हमारे इसके अपॉन में आ रहे हैं, यहाँ पर √2, √3, √5 है और यहाँ अपॉन में नंबर्स आ गए हैं 1/√2, 1/√3, 1/√5। एंड देन हम देखते हैं कि थर्ड जो हमारा टॉपिक आता है इसमें 1/√2 + √5 हो गया हमारा, या 1/√2 + √3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वन ही फैक्टर है, यहाँ पर प्लस आ गया है। ठीक है, फिर 3 टाइप के हमारे इरेशनल प्रूफ करने को आएंगे। तो यही हमारा क्या है, रियल नंबर है, इसमें कि यही टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, आपको इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है, इन टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस बनेंगी आपको उनको पढ़ लेना, अच्छे से वीडियोस देख लेना, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। मैं अच्छे से आपका मेथड क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। एक बात आपको बताना भूल गया था मैं, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपकी चैनल 1 की वीडियो डाली है, माइंड मैप डाला है,
टॉपिक्स बताए हैं आपको कि आपके कौन सा टॉपिक एग्जाम में कितने मार्क्स के चैप्टर है। आगे आपके और भी वीडियोस आएंगी, इसमें मैं सारे चैप्टर्स, मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उनके टॉपिक्स कौन कौन से आने हैं, कितने मार्क्स के आने हैं, मैं सारे टॉपिक को डीपली एक एक करके सबको समझा दूंगा। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।